न्यूजीलैंड इमीग्रेशन ने 1,65,000 तक प्रवासियों नूं पक्का करन दी स्कीम कढ़ी है जो कि पंजाबियों दे लई भी बहुत वड्डी खुशखबरी है। इको हले बहुत सारे लोग न्यूजीलैंड च पक्के हो सकणगे। न्यूजीलैंड सरकार ने प्रवासी कामियां अते व्यापारक अदारियां दे मौजूदा अते भविख दी आपसी सांझ नूं चिरस्थाई बनाई रखण वाले कामियां लई उलांभा ला अते सलाब चुके पक्के करन वाली स्कीम कढ़ी है जिसनों इको वार जा वन ऑफ लागू किया जाएगा जो सुनियार दे एक लहार दे कहावत पूरी कर दिया। वन ऑफ रेजिडेंसी वीजा स्कीम तहत सरकार ने 1,65,000 तक प्रवासियों नू 221 रेजिडेंट वीजा दे के पक्का करन दा फैसला किया है। इस श्रेणी दे विच 15,000 निर्माण कार्ज कामे, 12,000 उद्योगिक कामे, 5,000 सेहत ते बुजुर्गों की देखभाल वाले कामे, 9,000 मुढ़ले उद्योग वाले, 800 अध्यापक अते होर कई लोग शामिल ने। इस दे लई योग होण दे लई तुहानू निर्धारित शर्तां पूरियां करनियां होणगियां। सुचारू अर्जी प्रक्रिया दे विच सेहत, पुलिस अते सुरक्षा मापदंड पूरे किए जाणगे। एक साल के अंदर बहुतियां अर्जियां का फैसला आएगा। इमीग्रेशन मंत्री ने 221 रेजिडेंस वीजा का ऐलान करदिया इसनों आसान राह दसिया है जिसके तहत 1,65,000 लोग पक्के हो सकणगे। कोरोना का बुरा प्रभाव, विछड़े परिवारों का दर्द, सरहदां नूं लगे ताले अते अर्थचारे के विकास का हवाला दिंदिया सरकार ने यह वड्डा कदम चुकिया। सरकार ने कहा कि रोजगार दातावां दे लई वी मौका प्रदान कर रही है। वो अपने कामियां नूं इत्थे सैटल कर अपने हुनरमंद कामे बरकरार रखण क्योंकि इह सारे साडे भाईचारे मुढ़ले जरूरी कार्ज वाली फौज ते भाईचारे लई अहम ने। इन्हां सारे कामियां ने पिछले करोना दे पिछले 18 महीनों दे विच अहम रोल अदा कीता है। यह नवी स्कीम लगभग सारे कामां नाल संबंधित वीज़ा धारकों लई असेंशियल स्किल वर्क टू रेजिडेंस अते पोस्ट वर्क वीज़ा वालियां ते उन्हां दे पहले नेड़ले परिवार मैंबरां लई होएगी। योग होण दे लई मुख अर्जीदाता 29 सितंबर 2021 वाले दिन न्यूजीलैंड होना चाहिए ते उस कोल वर्क वीज़ा होवे जां अप्लाई कीता होवे, कुछ शर्तां भी पूरियां करदा होवे, न्यूजीलैंड रहिंदे नूं 3 साल जां ज़्यादा हो गए हों, जां प्रति घंटा $27 जां इस तों वध कमा रिहा होवे, स्किल शॉर्टेज लिस्ट दे विच काम करदा रहा होवे, जां अपने किते दी रजिस्ट्रेशन होई होवे अते उह सेहत अते सिक्ख्या खेतर विच काम करदा होवे, निजी देखभाल खेतर जां नाजुक सेहत वाले व्यक्तियों लई सेहत कर्मचारियों दी भूमिका विच होवे, जां प्राइमरी उद्योग गां ते भेड़ फार्म, जंगलात, जानवर देखभाल, साइंस ते खोज, मच्छी ते हार्टीकल्चर आदि दे विच खास रोल अदा कर रहा होवे। इस वीजे वास्ते वो लोग भी योग होणगे जो इत्थे नाजुक स्थितियां दे लई कामे वजो 31 जुलाई 2022 तक घट्टो घट 6 महीनों लई आउणगे। उन्हां दे परिवारक मैंबर स्कीम विच शामिल होणगे। वीजा धारक अपने पार्टनर अते छोटे बच्चों नूं अर्जी दे नाल शामिल कर सकता है। सरकार ने वचनबद्धता प्रगटाई है कि असीं इमीग्रेशन प्रणाली नूं मुड़ तों संतुलित कर रहे हां जिस विच लोग इत्थे काम करन आ सकण, पढ़ाई वास्ते आ सकण अते न्यूजीलैंड आ के रह सकण। जदों भी सरहदां खुल जाण 221 रेजिडेंट वीजा दी उसे दा इक हिस्सा है, पर उद्योगां अते रुजगार मालकां नूं स्पष्ट संदेश है कि उन्हां नूं लोचदार कर्मचारियों के निर्माण अते स्थानक कामियां नूं आकर्षित करन, सिखलाई देण अते उन्हां नूं बरकरार रखण अते घट हुनरमंद प्रवासी मजदूरों ते निर्भरता घटाउण दे तरीके लभण दी जरूरत है। वीजा अर्जियां 2 गेड़ां विच खोलियां जाणगियां। पहला गेड़ 1 दसंबर 2021 नूं अते दूजा गेड़ 1 मार्च 2022 नूं शुरू होएगा। अर्जियां 31 जुलाई 2022 तक दित्तियां जा सकणगियां। इमीग्रेशन योग उम्मीदवारां नाल अक्तूबर महीने के अंत तक होर ज़्यादा जानकारी दे नाल संपर्क करेगी तां कि 1 दसंबर नूं अपनियां अर्जियां दाखिल कर सकण। अर्जी लगाउण वेले वीज़ा धारक न्यूजीलैंड होना चाहिए। इस स्कीम दे विच थोड़ा समा वीज़ा जिवें विजिटर वीज़ा, विद्यार्थी वीज़ा, छुट्टियां दौरान काम अते सीजनल इंप्लायर वर्कर शामिल नहीं हन। मित 1 दसंबर 2021 तो जिहड़े लोकां ने स्किल्ड माइग्रांट कैटागरी जां रेजिडेंसी फ्रॉम वर्क भी अप्लाई कर सकणगे, वो
भी अपने ते निर्भर बच्चों समेत जां वड्डे जिन्हां कोल पहला ही स्किल्ड माइग्रांट कैटेगरी तहत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरस्ट है अपनी योग्यता चैक करन वास्ते एक ऑनलाइन चैकर भी इमीग्रेशन की वैबसाइट उत्ते बनाया गया। यह सिर्फ रुझान दसन वास्ते है अते तुहाडी योग्यता की पुष्टि नहीं करेगा।